इंसान नहीं होता चील के लिए भी आसमान में मुंह चौधी करना, क्योंकि अक्सर इस तरह की मुंह चौधी चीलों को बहुत ही ज्यादा बुरा भुगतना पड़ जाता है। यहाँ देखो असली सर्कस की बकचोदी तो यहाँ पर चल रही है। और हवा में चील और बाजों के हमले से बचने की क्लास तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन इस तोते को इस उल्लू के पिछवाड़े में क्या इंटरेस्ट था? जितना कि हम शॉक्ड हैं, उतना ही ये उल्लू भी शॉक्ड है। आखिर ये चील चाची इतना क्या सोच रही है? ओ, मछली हाथ से निकल गई चील चाची के हाथों से। आइए एक एक करके इन क्लिप्स पर नजर डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस समुद्री सांप को देखो जो कमर मटका मटका कर टहल रहा, और ये इस बात से अनजान है कि चील ने इसे ऊपर से उड़ते हुए देख लिया है। चील भी बहुत खतरनाक किस्म की औरत होती है, क्योंकि एक ही बार में सांप इस चील के पंजों में अटक जाता है। और अब चील और इसके बच्चे आराम से इस सांप को खाएंगे। कोबरा को देखकर चील पहले तो थोड़ा इस बात का अंदाजा लगाती है कि इस कोबरा पर कैसे हमला किया जाए, और जैसे ही चील को इस बात का अंदाजा लग जाता है तो वैसे ही चील इस कोबरा की गर्दन पर जबरदस्त हमला करती है, जिसके बाद कोबरा पूंछ हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस कव्वे को तो देखो जरा, क्योंकि ऐसे कव्वे कम ही देखने को मिलते हैं जो ड्रोन को ही अपना दुश्मन समझ लें। कव्वा ड्रोन को देखता है और कहता होगा कि आज आसमान में कौन सा नया परिंदा आ गया है, और कव्वा इसके पिछवाड़े में उंगली करने लग जाता है। अब जैसे कि इस कव्वे की दाल ड्रोन के साथ तो नहीं गली, तो फिर ये इस चील से ही पंगा लेने पहुंच जाता है, और चील ने जिस भी सांप को बेदर्दी से मारा था कव्वा उसे हथियाने में लग जाता है। चील चाहती तो इस कव्वे की गर्दन एक मिनट में ही मरोड़ सकती थी, लेकिन चील को अपने खाने को भी बचाना है, क्योंकि कव्वे भी ज्यादा दिमागदार जानवर होते हैं। दोस्तों अभी इस क्लिप में आप देख ही सकते हैं कि इस कव्वे ने कैसे अपनी चोंच से इस लड़की को तंग कर रखा है। इस क्लिप में चील शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि सुअरी अब कहां कहां तक दिमाग लगाए। सुअरी जमीनी खतरे से तो बचने में पूरी तरह दिमाग लगाए हुए है, लेकिन अब खतरा आसमान से आ रहा तो अब कैसे बचे। चील भी सीधा सुअर के बच्चे पर हमला करती है, अब कहां ये बच्चा इस मर्दानी चील से बच पाएगा। अब यहाँ पर ये कुत्ते अपनी कुतियाई से बाज नहीं आ रहे। खैर कुत्तों को भी पता लग जाता है कि इतनी बड़ी चील को मारना इनके बस की बात नहीं है, कि कहीं चील को गुस्सा आ गया तो इनमें से एक कुत्ता जरूर मारा जाएगा। तो दोस्तों आज शुरू में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।